कांग्रेस को अलविदा बोल दिया है। प्रतापगढ़ में कांग्रेस से तीन बार सांसद रही राजकुमारी ने अपने बेटे और समर्थकों संग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अपना दल गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार पाल के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में रत्ना सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। राजकुमारी रत्ना सिंह पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह की बेटी है और दिनेश सिंह के पूर्वज राजा राम गोपाल सिंह कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कांग्रेस के इतिहास में काला कांकर राज घराने का एक अहम योगदान भी माना जाता रहा है। राजकुमारी रत्ना वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेहद करीबी भी रही हैं। आज हमें हमारे बेटे हमारे परिवार को बहुत खुशी हो रही है भाजपा में आने में। और हमारा तो एक देशभक्त परिवार है और इस देशभक्त परिवार ने प्रतापगढ़ के लिए देश के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। मेरे पूर्वज चांदा गए अंग्रेजों से लड़के, उन्होंने कुर्बानी दी अपनी शहादत दी और हम लोग सब देशभक्त परिवार है। और आगरा में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के काफिले को काले झंडे दिखाने मामले में